फ्रेंड्स, मैं मनी, जिसके आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी। दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है वो प्लेयर्स के प्रोटीन के ऊपर है। ये हेल्दी प्रोटीन है जिसमें कि आपको डाइट भी मिलेगी, मतलब कि डाइट कह दिया, फैट भी मिलेगी, जो जैसे कि ज़्यादा पतले हैं, जैसे कि जैसे चिंटू है, जो भी अपना हेल्प करने के भले हैं, ये कुक करने भले हैं। ओवरऑल हेल्थ ट्रीट है ये, आप पीछे देख सकते हो। इसकी शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये डिवाइन सिटी के अंदर है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है फ्रेंड्स। अदरवाइज आप स्विगी और जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ डिटेल देना चाहूँगा कि ये जो प्रोटीन है प्लेयर्स के लिए, ये जो प्लेयर है वो भी खा सकते हैं, एथलेटिक फुटबॉल प्लेयर, ओवरऑल जितने भी प्लेयर है वो भी खा सकते हैं। जिम वाले तो ये खाते ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको फैट मिलेगी और साथ के साथ प्रोटीन भी मिलेगी। जो फैट मिलेगी वो गुड फैट मिलेगी, बैड फैट नहीं मिलेगी। बैड फैट जैसे कि हम मोमोज खाते हैं उसमें भी फैट होती है, पर उसमें प्रोटीन नहीं होती। तो ये ओवरऑल मैं आपको पूरी रेसिपी बताने वाला हूँ। ये चिकन ब्रेस्ट के ऊपर है, नॉन वेज वालों के लिए है। अगर आप वेज वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। स्प्राउट्स की वीडियो बनाई थी मैंने, वो आप देख सकते हो, वो आपके लिए, वो भी हेल्दी है। उसमें आपको काफ़ी विटामिन मिल जाते हैं और साथ के साथ आपको प्रोटीन भी मिलती है, ठीक है, जिसमें कि मैंने ए टू जेड रेसिपी बताई है। उसमें अगर आप इंक्लूड करना चाहो, जैसे पनीर हटाना चाहो, पनीर हटा सकते हो, डाल सकते हो, और उसमें आप एग भी डाल सकते हो। मतलब कि स्प्राउट की सारी रेसिपी मैंने ओवरऑल बताई है, वो वेज वालों के लिए। अदरवाइज़ वेज वालों के लिए और भी काफ़ी है। पहले मैं जो बनाई थी मैंने नॉन वेज के लिए, फिर उसके बाद वेज के लिए, फिर एक बार नॉन वेज के लिए। इसके खाने के बेनिफिट क्या क्या है वो बनाते बनाते मैं साथ के साथ बता दूंगा। अगर आप स्विमिंग करते हो, जैसे स्पोर्ट्स करो या फुटबॉल खेलते हो, तो खेलने के कुछ टाइम बाद आप ये चीज़ खा सकते हो, या उससे एक घंटा या आधा घंटा खा सकते हो। पर एक चीज़ याद रखना कि ये आपकी जो शेड्यूल डाइट आएगी उसके हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से और आपकी हाइट के हिसाब से, आपका वर्कआउट के हिसाब से आप इसको ईट करना। वैसे के लिए एक टाइम पे अगर खाते हो तो मेरे हिसाब से 200 ग्राम इनफ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे जो बॉडी पचा पाती है वो आपको पचा पाएगी। मात्र 80 ग्राम या 100 ग्राम आपको सही अच्छे से लगेगा, ठीक है। अगर आप जितना कम खाओगे उतने ज़्यादा बेनिफिट लगेगा। हाँ, कम को आप धीरे 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 ज़्यादा खा सकते हो, मतलब कि जैसे 100 ग्राम आप 200 ग्राम एक टाइम पे खा ली। जैसे चिंटू है, अभी हार्ड वर्क करेगा तो ये क्या होता है कि हार्ड वर्क जब कर रहा है, जब स्विमिंग चलती होती है इसकी, तो ये 200 ग्राम खाएगा, इसको पूरी लगेगी, ठीक है ना। तो अभी क्या है, अभी ये स्विमिंग नहीं कर रहा, पर ये रनिंग कर रहा है, इसको एक्सरसाइज हो रही है, स्टेयर्स कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ इसकी चल रही है, मतलब कि इसकी डाइट तो ओवरऑल चल ही रही है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हो। मुझे काफ़ी कमेंट आते थे जब सीजन स्टार्ट हो जाता है गर्मियों का और स्विमिंग चलती है, कि स्विमिंग प्लेयर्स को क्या खाना चाहिए। उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ सारी, आपको ये वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हेल्थ स्ट्रेट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हेल्थ स्ट्रेट का मेन्यू दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन सी चीज़ बनाने वाले हैं, उसका प्राइस क्या है। अगर आप घर में नहीं बना सकते हो या फिर घर में बनाना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो चलो स्टार्ट करें, हाँ सपोर्ट कर देना। मेन्यू है, मेन्यू आप चेक कर सकते हो। ये नॉन वेज का मेन्यू दिखा देते हैं हम आपको पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की जो रेसिपी है वो रहेगी चिकन चेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा। बांसा फिश के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये नॉन वेज की रेसिपी है, ओवरऑल सारी रेसिपी बोल दिया मेन्यू, ठीक है। ये वेज का मेन्यू है, मैंने स्प्राउट्स की मेन्यू आपको बना के दिखा दिया, स्प्राउट्स बना के दिखा दिए हैं। ओवरऑल अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। ये रेगुलर स्प्राउट है जिसमें कि आप पनीर डालो नहीं डालो वो आपकी मर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चेक कर सकते हो। ओवरऑल मैं ये सारी आपको रेसिपी बकायदा रेसिपी के साथ आपको बना के दिखाने वाला हूँ, मतलब कि ये वन बाय वन आपको वीडियो आती रहेगी। ये सारी ओवरऑल प्लेयर्स के लिए, ये दोनों जो मेन्यू है ये दोनों प्लेयर्स के लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। इसमें ज़्यादा रेसिपी के लिए इतना है नहीं कि मसाले ज़्यादा डालने हैं। इसमें हमने लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, नमक है और काली मिर्च है। ये आपने स्वाद अनुसार डालनी है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आपने हमारे हिसाब से डालनी है। ये हमारे पास ये 100 ग्राम है, हम इसके दो पीस लेंगे, जैसे कि ये 100 ग्राम है आपको दिखाने के लिए। अब इसको मेल्ट कैसे करना है वो हम दिखा देते हैं, कि इसको मिक्स कैसे करना है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें थोड़े थोड़े कट मार लेना, कट इसलिए मारना है ताकि जो इसका फ्लेवर है वो सारा का सारा इसके अंदर चला जाए। अगर आप कट नहीं मारोगे तो फ्लेवर इसका बाहर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। हाँ, अंदर से ये कच्ची भी नहीं रहेगी, ये बात आपने ध्यान रखना। और जो नमक और वो है इसको आपने मेल्ट करना है, इसको ऐसे मिक्स कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने हिसाब से आपने नमक डालना है, अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लेना, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही रखना तो आपको टेस्ट अच्छा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो कट मारे हैं उसकी वजह से ये सारा अंदर चला जाता है। इसको ऐसे करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है मात्र आधे घंटे के लिए। जितना टाइम आप छोड़ोगे उतना बेनिफिट रहेगा। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, एक बार आप कंटिन्यू एक दिन बना लिया आपने, आपका एक हफ्ता अच्छे से निकाल देगा। मतलब कि सपोज करो आप, ये अभी 100 ग्राम है, हम इसके दो पीस लेंगे जिसमें 200 ग्राम हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेनिफिट रहता है कि एक टाइम पे आपने मील तैयार कर ली तो आप इसको बार बार खा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आपने करनी करो, नहीं करनी ना करो, हल्दी ऑप्शनल ही है, मतलब कि आप जो जो इसमें ऐड करना चाहते हो। अगर देगी मिर्च जो पाउडर होता है, लाल पाउडर होता है फ्लेवर मतलब कि कलर के लिए, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐड कर सकते हो। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए पड़े रहने देना, ऐसे रहने देना, उसके बाद इसका कैसा हो जाएगा, तो 2 घंटे छोड़ दोगे कुछ ऐसा हो जाएगा। जितनी देर ज़्यादा रहेगा उतना टेस्ट इसमें आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने एक पीस में आपको मसाले कैसे मिक्स करने वो बता दिया था। इसमें चीरे मारने से क्या होगा मैं आपको बता दूँ, वो जल्दी पक जाएगा और टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलो अब इसको रोस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने पैन रख लेना, उसको एक चीज़ याद रखना कि पैन हल्का सा सेक होना चाहिए। इसको मैं हमने सेका कर लिया है। इसमें आपने ऑयली ऑयल मिक्स कर लेना है और डाल लेना है, ताकि जो चिकन ब्रेस्ट है वो नीचे सड़े ना, ठीक है। ऑयली ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, इसको नॉर्मली डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक चीज़ याद रखना कि ऑयली ऑयल हेल्दी होता है, काफ़ी बढ़िया होता है बॉडी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, और लाइट भी होता है। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है ऑयली ऑयल को। उसके बाद हमने इसमें ब्रेस्ट रख देनी है, जो जिसमें हमने मैरिनेट किया है, जिसमें हमने मसाले मसूले मिक्स किए हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें हल्का सा सेक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑयल जो है वो ओवरऑल गर्म हो चुका है, तो गर्म में डालना है। जो साउंड सुन रहे हो, अगर ऑयल गर्म होगा तो ये साउंड आएगा, अगर साउंड नहीं आया तो समझ लो कि आपके जितना भी तेल है वो सारा चिकन में चला जाएगा, वैसे वो निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर आप देख सकते हो इसको आपने ऐसे पकाना है और कम सेके पे पकाना है। अगर ज़्यादा सेके पे पकाया तो ये सड़ जाएगा और पकेगा नहीं, जिसके कारण टेस्ट नहीं आएगा पूरा, ये बात याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। चेक कर सकते हो सेका बहुत कम है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपने 10 मिनट तक आपने करना है, कि 5-6 मिनट में हो जाता है, पर हर 3 मिनट बाद आपने साइड चेंज करनी है इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इसको हम थोड़ा फॉरवर्ड में निकाल लेंगे। इसका कलर साथ के साथ चेक करते रहना, जैसे मैंने फॉरवर्ड में आपको भी दिखाया है, ये पक रही है अभी। इसमें मिनिमम 10 मिनट लगते हैं, 7-8 मिनट में वैसे पक जाती है। जितना ज़्यादा सिम सेक में पकाओगे उतना ज़्यादा ये बढ़िया टेस्ट देगी, बढ़िया फ्लेवर आएगा और सड़ेगी नहीं और पकेगी अच्छे से। एक बार याद रखना कि ये फास्ट सेक, मतलब कि अगर आप तेज करके पकाना चाहोगे तो ये नहीं पकेगी, ऊपर से सड़ जाएगी। तो ये इसका साथ के साथ कलर चेंज होता हुआ आपको दिख गया होगा, थोड़ा फॉरवर्ड में निकाला, उसके लिए मैंने टाइम बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो आप बहुत आसान है, ये आप घर में भी बना सकते हो, इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप घर में नहीं बना सकते तो आप ऑर्डर कर सकते हो हेल्थ स्ट्रीट, आपको स्विगी और जोमेटो पे मिल जाएगा। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिवाइन सिटी में ये पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये घर में नहीं खाते या घर से मतलब कि उनके अलाउड नहीं है बनाना और खाते हैं तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर यहाँ आके खा सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पक चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है, आप चेक कर सकते हो, इसमें हल्का सा ये लगा के देख सकते हैं हम पलटा, ये ऑलमोस्ट पक चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है, 2-3 मिनट और रखेंगे इसको हम, और ये आराम से खाने के लायक हो चुकी है। अभी पक चुके हैं, ये देखते हो बड़े आराम से ये अंदर जा रहा है, ठीक है। जब पक चुके हैं हम मात्र इसको 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे आपको वीडियो में टू जट देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो अभी कलर इसका थोड़ा और ब्राउन हो चुका है, हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है। उसके बाद आप ऐसे भी खा सकते हो, अगर आप थोड़े बड़े हो, अगर आपकी एज अच्छी है, आप जिम के लिए खाना चाहते हो तो ये आप थोड़ी कच्ची खाओगे तो बेनिफिट रहेगा, तो वैसे ये ऐसे भी खा सकते हो। पर हम इसको थोड़ा और पकाएंगे, जिसके कारण ये सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे मुंह में जाएगा ना ये घुल जाएगा एकदम सॉफ्टी। खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, यदि खाने में टेस्टी होती आप बॉइल्ड करके चिकन खाते हो उससे ज़्यादा बेस्ट ये रहता है। तो चलो अब आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट अब हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप चेक कर सकते हो, ये बड़ी सॉफ्ट हो चुकी है अब, ठीक है। अब हम इसको कटेंगे, तो फ्रेंड्स अब हमने इसको थोड़ा सा काट लेना है, काट के इसके पीसीस कर लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि पीस करने के बाद हम इसको थोड़ा और कर लेंगे, सेक लेंगे, ये आप चेक कर सकते हो कि अंदर से पूरा पक चुका है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है इसको, बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक बार फिर कर लेना है, ये देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है,
क्योंकि काटते समय भी ये मतलब कि थोड़ा अलग अलग हो रहा है, ये एकदम खाने के रेडी है, रेडी है। हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा, तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल पक चुके हैं, ज़्यादा पक चुके हैं। अगर हमने इसको थोड़ा और सेका तो क्या होगा कि ये और मेल्ट हो जाएगी, तो हमने इसको अभी और नहीं सेकना है, ठीक है। ये देख सकते हो कि ये ओवरऑल ये काफ़ी पक चुकी है, अब पूरी पूरी पक चुकी है। ये देख सकते हो आराम से इसके अंदर ये चाकू नाइफ जा रही है, और ये काटते समय भी अलग अलग हो रही है, तो खाने के समय आपको दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी लगेगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप सैलेड रख लेना टेस्ट के लिए, उसके ऊपर आप चाट मसाला डाल सकते हो, नींबू आप निचोड़ना निचोड़ सकते हो, ऑप्शन लिया है। अगर आप नींबू निचोड़ोगे तो टेस्ट थोड़ा और आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल रेडी हो चुका है, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। ओवरऑल ये तैयार हो चुका है, ये कुछ खाने के लिए काफ़ी हेल्दी है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी डिश तैयार हो चुकी है, आप इसको चाट मसाला डालना डालो, नहीं डालना ना डालो, बल्कि टेस्ट बना देता है चाट मसाला एक, ठीक है। तो ये ओवरऑल तैयार है, आप इसके ऊपर नींबू डोल के निचोड़ के खा सकते हो। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप हेल्थ से ट्रेड पे आना चाहते हो, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिवाइन सिटी के आप अंदर एंटर करते हो, O2 जिम के एकदम सामने आपको ये मिल जाएगी, तो जोमैटो और स्विगी पे भी आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। तो ये स्विमिंग प्लेयर के लिए मैं खासकर उनके लिए बना रहा हूँ, उनके काफ़ी कमेंट आते हैं कि स्विमिंग प्लेयर को क्या क्या खाना चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए हाजिर है वीडियो। डाइट के ऊपर, डाइट के ऊपर एक चीज़ बता दूं कि हाइट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से आप डाइट लेना, और आप कितना वर्कआउट करते हो उसके हिसाब से आप डाइट लेना। और डाइट लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे आप आपने चिकन खा लिया है तो उसके तुरंत ऊपर पानी नहीं पीना। जब आप पानी पीते हो तो क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर केमिकल होता है तेजाब जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बनता है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी पच जाता है, और उसके बाद हमारा पेट खाली हो जाता है, जिसके कारण गैस बनती है, फिर हमें क्या होता है कि भूख नहीं लगना, या फिर बदहजमी होना, या फिर कोई चीज़ खाते हैं दिमाग में चढ़ जाना, ये साइड इफेक्ट उसी की वजह से होते हैं। जाके हम खाते हैं साथ में कोई भी खाना खाते समय, किसी भी ईट करते समय हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर पानी पीना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में पियो, अगर पीने के बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो 15 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हो, बल्कि तुरंत नहीं पीना, एक्सटेंड नहीं पीना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी, और कोशिश की है मैंने आपको बढ़िया मिले आपको वीडियो, और आपका जो सवाल है वो आपको एकदम जेन्युइन तरीके से रिप्लाई करता रहूँ मैं आपको। तो अगर आपको और भी कुछ पूछना चाहते हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आज के लिए इतना काफी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। तो फ्रेंड्स ये चैनल है मैं स्विमिंग बाय मनी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। इस चैनल पे मैं स्विमिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहता हूँ। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ, गैजेट्स दिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, थैंक यू फॉर द वीडियो।